देखो इस वीडियो के अंदर मैं हुंडई की उन 6 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनको अगले साल हुंडई कंपनी इंडिया में लॉन्च करेगी। हालांकि इनमें से कुछ कारें ऐसी भी है जिनका इंतजार लोग काफी दिनों से कर रहे हैं। जो सबसे पहली कार आती है जिसको हुंडई कंपनी बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च करेगी वो है कैस्पर। हालांकि हुंडई की ये अपकमिंग माइक्रो एसयूवी कार होने वाली है। इसकी जो पोजीशन रहेगी वो हुंडई वेन्यू के नीचे रहने वाली है और ये इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद कम्पीट करेगी न्यूली लॉन्च टाटा पंच के साथ। इसके अलावा इसका मुकाबला महिंद्रा की केयूवी 100 के साथ भी रहेगा और मारुति सुजुकी इग्निस के साथ इसका तगड़ा मुकाबला रहने वाला है। तो यहाँ पर हुंडई कंपनी भी अपनी माइक्रो एसयूवी कार को लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसका एक्सटीरियर लुक आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। हालांकि दिखने में यह हुंडई वेन्यू से थोड़ी सी छोटी रहने वाली है। इंटीरियर की अगर मैं बात करूं तो इसके इंटीरियर में भी अच्छे खासे फीचर्स दिए जाएंगे। और रही बात इंजन स्पेसिफिकेशंस की तो हुंडई कंपनी इस कार के अंदर 2 इंजन का इस्तेमाल कर सकती है जैसे कि 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। इसके अलावा 1.0 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी हमें इस कार के अंदर देखने को मिल सकता है। हुंडई कंपनी इस कार को अगले साल के स्टार्टिंग में इंडिया में रिवील करेगी। उसके बाद इसको लॉन्च किया जाएगा और इसकी कीमत 5-5.5 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। वही हुंडई की जो सेकंड नंबर की कार आती है जिसको इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा वो है वेन्यू का फेसलिफ्ट मॉडल। हालांकि वेन्यू के एक्सटीरियर में और इंटीरियर में कॉस्मेटिक चेंजेस किए जाएंगे और इसके इंटीरियर के कुछ फीचर्स को अपग्रेड किया जाएगा, यानी न्यू फीचर्स ऐड किए जाएंगे इसके इंटीरियर में। इसको अगले साल के मिड के आसपास इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और इसकी कीमत नॉर्मल मॉडल के मुकाबले 20,000 या फिर 30,000 रुपए थोड़ी सी एक्स्ट्रा रह सकती है। वही जो थर्ड नंबर की कार आती है जिसको बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा वो है आयोनिक 5। हालांकि हुंडई की ये इलेक्ट्रिक एसयूवी कार होने वाली है। इसके अंदर भी काफी कमाल के फीचर्स दिए जाएंगे। आप इसका एक्सटीरियर लुक देख सकते हैं, इसका जो फ्रंट फीशा है, इसके अलावा इसका जो रियर का फीशा है ये काफी हद तक डिफरेंट है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कार्स। मतलब काफी अट्रैक्टिव है इसका एक्सटीरियर लुक। सिमिलरली इसके इंटीरियर में काफी कमाल के फीचर्स ऑफर करे गए है। ये कार एक सिंगल चार्ज में लगभग 481 किलोमीटर तक की रेंज दे देती है, यानी एक सिंगल चार्ज में ये कार चलती है लगभग 500 किलोमीटर तक। ये भी काफी हद तक कमाल की बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस कार के अंदर आपको अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलने वाला है जिसकी मदद से आप इसके बैटरी को 10% से लेकर 80% तक इसकी बैटरी 18 मिनट में चार्ज हो जाती है। तो ये भी कमाल का फीचर आपको हुंडई की आयोनिक इस कार के अंदर देखने को मिल जाएगा। वही अगर मैं इसके लॉन्चिंग की बात करूं तो हुंडई कंपनी इस कार को अगले साल के मिड में लॉन्च करेगी और इसकी कीमत 20 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। हालांकि इसको आज के डेट में ग्लोबल मार्केट में बेचा जा रहा है और वहां पर इस कार को काफी हद तक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो फोर्थ नंबर की कार आती है हुंडई की तरफ से जिसको रिसेंटली रिवील किया गया वो है क्रेटा का फेसलिफ्ट मॉडल। हालांकि क्रेटा के फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे जैसे कि इसके एक्सटीरियर में बहुत सारे बड़े अपडेट्स करे गए हैं। इसका फ्रंट फीशा आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके फ्रंट फीशा में हमें नए ग्रिल्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा नया लाइटिंग सेटअप भी मिलने वाला है जैसे कि इसका जो फ्रंट फीशा है वो काफी हद तक हुंडई की टक्सन से इंस्पायर्ड है। तो आपको हुंडई टक्सन वाला लाइटिंग सेटअप इसके अलावा ग्रिल्स क्रेटा के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसके इंटीरियर में नए फीचर्स को ऐड किया जाएगा और नई क्रेटा फेसलिफ्ट मॉडल को अप्रैल 2022 तक लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत नॉर्मल मॉडल के मुकाबले 30,000 से लेकर 50,000 रुपए थोड़ी सी एक्स्ट्रा रह सकती है। वही जो फिफ्थ नंबर की कार आती है हुंडई की तरफ से जिसको इंडिया में लॉन्च किया जाएगा वो है स्टारिया। ये एक एमपीवी कार होने वाली है और हुंडई कंपनी ने इसको ग्लोबल मार्केट में 7 सीटर और 9 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ लॉन्च कर दिया है। इस कार के इंटीरियर में काफी प्रीमियम फीचर्स ऑफर करे गए हैं जैसे कि इस कार के अंदर आपको हीटेड सेकेंड रो के सीट्स मिलेंगे। इसके अलावा फ्रंट वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन भी आपको मिलने वाला है। 8-way पावर एडजस्टेबल सीट, बड़ा टच स्क्रीन इनपुटमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील और ढेर सारे प्रीमियम फीचर्स इसके इंटीरियर में दिए हुए हैं। इसका एक्सटीरियर लुक आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इसका फ्रंट फीचर भी काफी कमाल का है और रियर से दिखने में काफी तक बढ़िया लगती है। इसको अगले साल के मिड के आसपास इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी कीमत 20 लाख रुपए के ऊपर ही रहेगी क्योंकि इसके अंदर काफी जबरदस्त फीचर्स ऑफर करे गए हैं। वही जो 6 नंबर की कार आती है जिसका इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं वो है हुंडई की पैलेसाइड। ये एक 7 सीटर फुल साइज एसयूवी कार है जिसको ग्लोबल मार्केट में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और जब ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी तो इसका मुकाबला फॉर्च्यूनर के साथ रहेगा। इसके अलावा एमजी की ग्लोस्टर के साथ इसका तगड़ा मुकाबला रहने वाला है क्योंकि हुंडई कंपनी ने इसके अंदर 3.8 लीटर का लैम्डा जीडीआई गैसोलीन इंजन का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि लगभग 287 bhp की पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता है और ये पावर आउटपुट ज्यादा है फॉर्च्यूनर के मुकाबले। तो इसके अंदर आपको काफी पावरफुल इंजन देखने को मिल जाएगा। वही अगर मैं लॉन्चिंग की बात करूं तो हुंडई कंपनी इस कार को अगले साल इंडिया में लॉन्च कर सकती है और इसकी कीमत 40 लाख रुपए के ऊपर रह सकती है। तो इन 6 कारों को हुंडई कंपनी इंडिया में अगले साल लॉन्च करने वाली है। इनमें से किस कार का आप इंतजार कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना।
वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, राइड सेफ, वेयर हेलमेट, वेयर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।